नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल UGC में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा जीके में हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे, यानी कि पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, उसके बाद में कौन सा बना था। वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बनता है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को बनता है, उस टाइम में क्या अलग से कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। और हरियाणा को 7 जिले मिलते हैं, ठीक है, यानी पंजाब का, यानी पंजाब से अलग होकर के हरियाणा राज्य बनता है। और पंजाब का 35.18% एरिया है वो किसको मिलता है, अभी हरियाणा को मिलता है, ठीक है, हरियाणा को मिलता है। और इन 35.18% जो एरिया है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 7, कितने होते हैं, 7 जिले होते हैं। उन 7 जिलों में कितने 54 विधायक होते हैं, अभी यानी 54 क्या होते हैं, MLA होते हैं। इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, एक विधायक जो दल का नेता चुना जाता है और उसको क्या फर्स्ट CM बना दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन होता है, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, यानी फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, ठीक है, फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री था भगवत दयाल शर्मा, यानी BD शर्मा। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन थे भी भगवत दयाल शर्मा, कौन भगवत दयाल शर्मा, ये कौन थे भी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे कौन, भगवत दयाल शर्मा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बेरी झज्जर से, बेरी गांव से बिलोंग करते हैं। और बेरी कहाँ पड़ता है, अभी झज्जर में, ठीक है, शहीदों का शहर, कौन सा भी झज्जर, यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1919 में। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री की बात करिए तो कौन है, भगवत दयाल शर्मा है, जो बेरी झज्जर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कब होता है, 1919 में, ठीक है। उस टाइम में इलेक्शन नहीं हुए थे, पंजाब का पार्ट था और पंजाब के अलग होकर के हरियाणा बना था। तब कितने 54 विधायक इनको मिलते हैं, उनके विधायक दल का नेतृत्व चुना जाता है और किसको बनाया जाता है, भगवत दयाल शर्मा को फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, जो भगवत दयाल शर्मा थे जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, उससे पहले क्या है, ये ओडिशा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, अभी मध्य प्रदेश के क्या राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। ये बात इनके लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा के लिए, क्योंकि ये जब CM बनते हैं, जब CM बनते 1966 की बात है, जब हरियाणा राज्य बनना था 1966 की बात है, तब उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उससे पहले यानी राज्य मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, ओके। उसके बाद में कहते हैं सेकेंड CM ऑफ हरियाणा, ठीक है, यानी हरियाणा के दूसरे CM, ठीक है, सेकेंड CM ऑफ हरियाणा। सेकेंड CM कौन होते हैं, राव वीरेंद्र सिंह, कौन होते भी राव वीरेंद्र सिंह। इनके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, क्या बनाई थी, पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का क्या नाम होता है, हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया जाता है, कब किया जाता है, 1967 में, कब किया जाता है, अभी 1967 में, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है, क्वेश्चन आता है हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात आ जाए, एक तो आ जाए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो कौन है, अभी भगवत दयाल शर्मा है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, अभी कौन है, राव वीरेंद्र सिंह है,
ठीक है, निर्वाचित, क्योंकि बाय इलेक्शन के द्वारा इनका चुने गए थे ये। हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1967 में, ठीक है। पहली क्षेत्रीय पार्टी थी कौन सी, हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, उगता सूरज। क्या था भी, उगता सूरज। चुनाव चिन्ह क्या था भी, उगता सूरज, ठीक है भी। ये इसका क्या था, चुनाव चिन्ह था, ठीक है। इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन आता है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि पहले कांग्रेस के थ्रू ही कौन किसको बनाया गया था, भगवत दयाल शर्मा को। उसके बाद में ये क्षेत्रीय पार्टी का गठन करते, कौन सी, हरियाणा विशाल पार्टी का गठन करते 1967 में, ठीक है। और उनके जो चुनाव चिन्ह क्या था, उगता सूरज, ठीक है। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात आ जाए भी, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे भी, राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे भी, राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध कहाँ से, अभी रेवाड़ी से, अभी कहाँ से इनका संबंध है, रेवाड़ी से, ठीक है। कहाँ से भी, रेवाड़ी से। अगर इनके जन्म के बात पूछी जाए तो इनका जन्म है 1921 में भी। इनका जन्म कब हुआ था, 1921 में। दोबारा मैं फिर बता देता हूँ, राव वीरेंद्र सिंह है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, है भी हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात आ जाए तो कौन है, राव वीरेंद्र सिंह है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर वैसे आ जाए, यानी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है, भगवत दयाल शर्मा। निर्वाचित की बात आ जाए तो कौन है, राव वीरेंद्र सिंह। अगर आता है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है भी, राव वीरेंद्र सिंह। यानी पहले क्षेत्रीय पार्टी आ जाए तो कौन सी है, हरियाणा विशाल पार्टी। क्वेश्चन आता है इसका चुनाव चिन्ह क्या था, था उगता सूरज, ठीक है। इस पार्टी का गठन कब किया गया था, 1967 में, 1967 में। किसने किया था, राव वीरेंद्र सिंह। क्लियर भी। अब बात आती है हरियाणा के तीसरे सीएम, हरियाणा के तीसरे सीएम, यानी थर्ड सीएम ऑफ हरियाणा, थर्ड सीएम ऑफ हरियाणा, थर्ड सीएम ऑफ हरियाणा, हरियाणा के तीसरे सीएम, हरियाणा के तीसरे जो सीएम है, बड़े अच्छे माने जाते हैं, वो थे बंसीलाल। कौन थे भी, बंसीलाल, बंसीलाल। हरियाणा का अगर आ जाता है क्या, लोह पुरुष। क्वेश्चन आता है हरियाणा के लोह पुरुष किसको बोला जाता है, तो बंसीलाल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बंसीलाल को बोला जाता है। हरियाणा का लोह पुरुष की बात आ जाए तो किसको बोला जाता है, लोह पुरुष। किसको बोला जाता है अभी, बंसीलाल को बोला जाता है। अब इनका कार्यकाल की बात करें तो 1968 से लेके 1975 तक इनका कार्यकाल रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है यानी हरियाणा में किस सीएम का समय सबसे ज़्यादा रहा है, यानी कौन से मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। और वहाँ ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, बंसीलाल मिलता है, क्या मिलता है अभी, बंसीलाल मिलता है। और ऑप्शन में क्या, भजनलाल भी मिलता है। तो आप कहाँ जाने वाले हो, बंसीलाल पे, क्योंकि एसएससी है ना, वो बंसीलाल को सही मानती है। अगर आपके ऑप्शन में बंसीलाल नहीं है तो कहाँ जाओगे भी, भजनलाल पे। क्लियर बात समझ में आ गई हुई आपको। अगर ये कम से कम तीन या चार बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सीएम कौन है, तो वहाँ एसएससी मान रही है कौन सी, बंसीलाल, क्योंकि हमारे को तो एक नंबर चाहिए भी, ठीक है, ठीक है। तो एसएससी मान रही है बंसीलाल को। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, बंसीलाल भी आ जाता है, अगर भजनलाल भी आ जाता है, तो आप बंसीलाल पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि बंसीलाल को एसएससी सबसे ज़्यादा समय तक जो सीएम है वो मान रही है। उसके बाद में किसका नंबर आता है, भजनलाल का आता है। अगर ऑप्शन के आप में बंसीलाल है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप, भजनलाल करोगे। तो एक बात ये रहेगी, यानी सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वाले, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सीएम, रहने वाले सीएम कौन है भी, बंसीलाल। कौन है, बंसीलाल भी। अब बात आती है, बंसीलाल 1968 से 1975 तक रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद में मैं बात बताता हूँ 1975 की बात याद कराता हूँ, उस टाइम में क्या होती है, आपातकाल लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है, यानी इंदिरा गांधी के बहुत ज़्यादा ये क्या थे, शुभचिंतक मान लो, उनके अच्छे प्रिय मान लो, ठीक है। तो उस टाइम में क्या 1975 में यानी भारत के रक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं, 1975 में यानी भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के रक्षा मंत्री कौन थे भी 1975 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, बंसीलाल, इनको बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो 1991 की बात करते हैं हम, उससे पहले की बात कर देते हैं, यानी नसबंदी की बात बताता हूँ मैं आपको, लोह पुरुष भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अब नसबंदी की बात करता हूँ, नसबंदी में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है, अभी बंसीलाल का माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम में ही नसबंदी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा जोर शोर से बढ़ रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या नसबंदी की जाने लगी, और इसके लिए टारगेट रखा जाता था अभी, इसके लिए क्या टारगेट रखा जाता है, किसी व्यक्ति को बोला जाता था आप इतना कुछ करोगे तो आपको ये टारगेट पूरा करने पर ये इतने रुपये दिए जाएंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है। आपने देखा होगा पहले 100 रुपये दिए जाते थे नसबंदी करने पर, और एक रेडियो दिया जाता था अभी, ठीक है, लोगों को उस टाइम में बड़ा पसंद था ये रेडियो, ठीक है, नसबंदी करने के लिए। बहुत संख्या में लोगों की नसबंदी भी की थी, और नसबंदी के द्वारा ही जनसंख्या पर कंट्रोल किया गया था अभी, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ हमारे को इस बात से, नसबंदी करने से जनसंख्या कंट्रोल में हो गई, वरना क्या पता चाइना को पार कर देता हरियाणा, ठीक है। ये क्या थी भी नसबंदी अगर बात की जाए तो किसके टाइम में हुई थी, बंसीलाल के टाइम में हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं 1991 की, ठीक है। 1991 में क्या होता है, 1991 में बंसीलाल के द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है, हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई जाती है भी, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, बंसीलाल के द्वारा, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया जाता है 1991 में बंसीलाल के द्वारा, ठीक है। और जिसका चुनाव चिन्ह क्या होता है भी, यहाँ बता देता हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह होता है लड़का लड़की जिसका क्या होता है चुनाव चिन्ह होता है। और 1996 में ये हरियाणा के फिर से CM बन जाते हैं भी, 1996 में ये हरियाणा के फिर से क्या बन जाते हैं, CM बन जाते हैं भी। और इनका एक नारा था उस टाइम में, क्या नारा था, शराबबंदी का नारा, यानी अगर भारत में सबसे पहले शराबबंदी किसने की थी, बंसीलाल ने की थी भी। शराबबंदी की अगर हम बात करें तो किसने की थी, बंसीलाल ने की थी भी, ठीक है। और शराबबंदी के नारे पर इन्होंने क्या सरकार ला दी थी, कहाँ पे, हरियाणा में, 1996 से 1998 तक क्या रही थी भी, शराबबंदी रही थी। उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम था भाई शराबबंदी करना, ठीक है। और अन्य राज्य से सहयोग नहीं मिला, वरना सहयोग मिल जाता तो क्या पता पूर्ण रूप से पाबंदी भी लग जाती, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था, और इन्होंने ही कोशिश की थी, बहुत अच्छा किया भी था शराबबंदी करने के लिए। तो 1996 से 1998 की बात करें तो इन्होंने क्या की थी, शराबबंदी की थी। नसबंदी की बात करें, ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले CM भी थे, और हरियाणा विकास पार्टी का गठन इन्होंने किया था। अब बात आती है 2004 में, अब बात आते हैं 2004 में, 2004 में क्या होता है, ये जो पार्टी होती है ये किस में मिल जाती है अभी, कांग्रेस में, किस में मिल जाती है, ये कांग्रेस में ये पार्टी क्या है, मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बंसीलाल की मैं बता देता हूँ, ये कहाँ से थे, भिवानी के गोलागढ़ गांव से थे, कहाँ से, गोलागढ़ गांव से, समझ रखते। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1927 में। अगर बात करते हैं सबसे युवा CM की बात करें, अब मैं बात बताता हूँ, सबसे युवा CM की बात करें तो कौन थे भी, बंसीलाल थे सबसे युवा CM। अगर युवा CM की बात करें तो कौन थे भी, बंसीलाल थे, ठीक है। एक और मैं बात बताता हूँ आपको, हरियाणा में आधुनिक हरियाणा निर्माता कौन है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है, क्वेश्चन आता है आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है,
क्वेश्चन आता है आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है। तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन है, भी बंसी लाल है। 1970 में घर घर में यानी हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो काम पूरा किया था वो किसने किया था, भी 1968 से 1975 तक किसका कार्यकाल रहा है, बंसीलाल का रहा है भी। और 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो कार्य पूरा किया था वो किसने किया था, बंसीलाल ने किया था भी। ठीक है, तो ऐसा काम शराबबंदी करना, ठीक है, और क्या था भी, हर गांव में बिजली पहुंचाना बहुत बड़ा काम था भी उस टाइम में। हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो काम है वो किसने पूरा किया था भी, बंसीलाल ने किया था। इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा था भी, इस डेट तक मैं हर गांव में बिजली पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन ये भी आया है कौन सा, किस डेट को इन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो रखा था, ये लक्ष्य रखा था 29 नवंबर 1970 तक इन्होंने बोला था भी, इस डेट तक इन्होंने लक्ष्य रखा था, इस डेट तक मैं हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो कार्य है वो मैं पूरा कर दूंगा, उन्होंने ये किया था। क्वेश्चन आता है 1970 यानी हर गांव में बिजली कब तक पहुंच गई थी, तो कब है 1970 तक, और किसने पहुंचाने का कार्य किया था, ये क्या जो कार्य किया था वो किसने किया था भी, बंसीलाल ने किया था भी। ओके, बंसीलाल के बारे में इतना। अब बात करते हैं फोर्थ सीएम यानी चौथे जो सीएम है ये क्या थे भी, थर्ड सीएम ऑफ हरियाणा थे। अब फोर्थ सीएम है बनारसी दास गुप्ता, कौन थे भी, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, ये भी इनका संबंध भी कहां से है, भी भिवानी से है। इनका संबंध भी कहां से है, भिवानी से है। इनके बारे में तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। एक तो ये कि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं अभी, क्या रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष, क्या रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष। दो बार क्या रह चुके हैं भी, सीएम। तीसरी बात क्या है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं ये भी। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में, क्या रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष, दूसरी बात क्या है, दो बार सीएम रह चुके, तीसरी बात की ये डिप्टी सीएम भी रह चुके। एक पहले भी आया था जो विधानसभा अध्यक्ष पे रह चुके, वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, जो सेकंड सीएम ऑफ हरियाणा थे। यानी राव वीरेंद्र सिंह की बात करूं मैं, वो भी क्या विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं भी। कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, और दूसरे कौन है भी, बनारसी दास गुप्ता। यानी ये क्या है, बीडी गुप्ता है, ठीक है। जो फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा थे वो कौन थे, बीडी शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा थे। एक बात इसमें कंफ्यूज करने वाली, अब तक जो मैंने करवाया उसमें कंफ्यूज करने वाली एक बात थी, जो राव वीरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी वो कौन सी थी भी, हरियाणा विशाल पार्टी, वो कौन थी भी, हरियाणा विशाल पार्टी थी भी, हरियाणा विशाल पार्टी थी। ये किसकी थी भी, राव वीरेंद्र सिंह की, किसकी पार्टी थी भी, राव वीरेंद्र सिंह की थी पार्टी थी। अगर बात आती है हरियाणा विकास पार्टी, बात आती है हरियाणा विकास पार्टी की बात आती है, विकास पार्टी ये किसकी है भी, ये थी बंसीलाल की, ये किसकी थी भी, बंसीलाल की। अब ध्यान से देखना, ये क्या है विशाल पार्टी है, ये क्या है विकास पार्टी है, कंफ्यूज मत हो जाना भी। पहली क्षेत्रीय पार्टी की बात आ जाए तो कौन सी है, विशाल पार्टी है, जिसका गठन किसने किया था, राव वीरेंद्र सिंह ने किया था भी, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे ये, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही, और जितने भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।